मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ, बीच में कुछ हो गया और पीस उल्टे हो गए थे, मेरे से मैंने ऐसे ट्विस्ट कर दिया। ये देखो गाइस, ये भी होर भी हो सकता है बड़ा। गाइस पहले जमाने में लोग इस तरह पानी बना करते थे जो ट्राइपॉड को नीचे करना पड़ता। गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे मेरे बिना कहे मेरी मदद की मेरे घर वालों में, मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ। और गाइस ये देखें, ये जो गंदी सी मेहंदी आपके मेरे हाथ पे नजर आ रही है ना, ये व्लॉगर ने लगाई है, ठीक है ना। और ये इल्जाम मेरे पे डाल लिया कि तुमने अपना हाथ लगा दिया, इसलिए सारे टिकट्स खराब हो गए। मैं जीत गई थी इसलिए इसने जानबूझकर अपना हाथ लगाया। ये जो अपने व्लॉगर का हेयर स्टाइल है, मेरे बहनों के मुताबिक कि मैं प्यारी लग रही हूँ। अब पता नहीं मैं प्यारी लग रही हूँ कि नहीं, मैं तो अपना कुछ बोलता है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, तो मैं आप लोग को अपनी फुल लुक भी दिखाऊँगी कि मैं कैसी लग। तो गाइस इस वक्त मैं रेडी हूँ, मैंने हल्का सा मेकअप किया है। और क्या है ना, ऐसा होता है कि जब मैं मेकअप कर रही होती ना और मैं रास्ते में होती हूँ तो मैं अपना मेकअप साफ़ करती रहती हूँ, तो जब मैं एंड पे पहुँच जाती ना जिस जगह मैं जाना था वहाँ मेरा मेकअप सारा उतर चुका होता है। तो मेरी बहनें वगैरह मुझे बोलती है कि बहन कहती है कि दोनों बहनें कि मुस्कान अगर तुमने अब मेकअप साफ़ किया मैं तो बच्चे पेड़े मारूँगी। तो गाइस अब पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। तो गाइस मेरा कैमरा मैन आपको मेरी फुल लुक देखिए, ये फुल लुक है मेरी। गाइस अगर आपके पास बड़े बहन भाई हैं तो आपकी किस्मत है, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं होता। गाइस अगर मैंने कमीज अपना पहना है, ये मेरी सबसे मतलब दूसरे नंबर वाली बहन का, तो मैंने उससे जाकर मांगा, और ये पजामा मेरी कैमरा मैन का। देखें जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरी मतलब मैंने अपनी दोनों बहनों से मांगा है, तो ये दुपट्टा भी मैंने मांगा ही है, ठीक है। इस वक्त मैंने अपना कुछ नहीं पहना है, ये समूह के अलावा ये जो क्या कहते हैं सब है ना मेरी बहनों से मांगा है, ठीक है। बस मैंने तो बस ये एक रबर बैंड मेरा, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है मेरे जिसम के ऊपर। तो वैसे हम लोग जा रहे हैं बाहर यानी खाना खाने, तो अब मैं आप लोगों से वहीं मिलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको मोहम्मद अहमद दिखाती हूँ। मम्मी तो गाइस देखें, ये है मोहम्मद अहमद की फुल लुक। गाइस देखें इसने ये कहते हैं लड़कों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसके बाल स्ट्रेट करने के लिए ना, ये मुझे बाल स्ट्रेट करने के उस वक्त कहा जब मैं तैयार जब सब घर वगैरह तैयार हो चुके होते, कहते हैं बाल स्ट्रेट कर दो, तो फिर मैं पता नहीं ना कहते हैं इसके बातों में आ जाती हूँ, इसके बाल स्ट्रेट करती हूँ। जैसे फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी उस जगह। तो गाइस इसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं और हम लोग क्या कहते हैं हम ऑर्डर दे लगे हैं। तो हम पहले सर से पूछते हैं कि ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि हमेशा कहती है कि मुझे मैंने तो ऑर्डर दिया नहीं। गाइस इसके कुछ भी ने पैसे भेजे हैं बजाने में, तो अभी एक चीज़ तुम और मामा कह रही है मेरा पैसा दिया है तो उसकी मालत थी अभी जो दोनों मुँह खाने देंगे। माँ आपके खोगी आपके खोगी बिरयानी खाएंगी मामा, छोड़ो मामा मुझे भी जो प्लान करने थे, मतलब मेरा मतलब ये कि मामा बिरयानी भी खाएंगी, मैं घर से बोल के आई थी है ना मामा, आप ही आपको तो आपने खोगी खाएंगे। तो बिरयानी जिसे बीफ मिलते हैं आपको, बिरयानी की जिसे क्या कहते हैं चिकन स्ट्रेट भी मिलता है। गाइस पीछे देखो तीन कपल्स, गाइस देखिए आपने चूज कर लिए बिरयानी खाएंगे सर। गाइस बिरयानी किंग की बिरयानी बहुत मज़ेदार होती है, और हम लोग बिरयानी किंग की जो बिरयानी होती है बहुत मज़ेदार होती है। हम लोगों ने बिरयानी किंग घर पे बहुत मंगवाई है, हमारे घर का कोई मतलब मामा के साथ में तो ज़्यादा नमक मंगवाते हैं, क्योंकि मामा को बिरयानी पसंद है, क्योंकि मामा को तो हम लोग कहते हैं कि आप जाओ आप कमरे में बैठो, हम खुद से कुछ आपकी सालगिरह का करने की, लेकिन जो बिरयानी बनाते हुए हमने हलवा नहीं खाना, तो हमने बिरयानी खाना थी, इसलिए हम लोग बिरयानी किंग से बिरयानी। तो अभी क्या कहते हैं ऑर्डर हो गए, इन्होंने इन्होंने चूज़ किया है मेरी क्या कहते हैं दाल चावल खाओ तो गाइस हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन चीज़ पराठा और क्या कहते हैं बिरयानी की 3 प्लेटें, 12 बीफ कबाब और क्या कहते हैं और कोक के अलावा हमने क्या कहते हैं वो रोटी का नान क्या होता है
रुमाली रोटी ऑर्डर की है, जो हम लोग पहले मामा इतनी गर्म गर्म खाई चाहिए, इसलिए हम लोग पहले 3 ऑर्डर करेंगे, फिर ऐसा ऐसा जो मांगे और वो और जो भाई मोहम्मद है वो जो बताएगा उसने क्या लेंगे। जल्दी क्या लगता है ऐसे देखें, ये इस वक्त क्या कहते हैं सोच रहा है कि इसने क्या खाना है। बता क्या खाना है तूने? तू बस चूज कर गाइस, इसे चूज नहीं हो रहा कि इसने क्या खाना है। गाइस इनको तो बस लगी है कि मामा ऑर्डर दे जाए सब कुछ खा लेंगे। मतलब बताएगा कि इसने क्या खाना है। मम्मी बताओ क्या खाना है। 1 किलो चिकन, 1 किलो चिकन, 2-3 प्लेट दे बिरयानी, लंबी लंबी फेंक रहा है प्लेट चिकन लंबी। गाइस ने मेरे को पेट रही हूं। और रुमाली रोटी 4 कर दे। 4 हो गई जी। नेक्स्ट और 1 किलो गाइस ये तो लाओ कर दे फेंक रहा ना तो लंबी लंबी। इसने खाना इसने एक चीज़ भी जो ऑर्डर करेगा ना वो भी नहीं खा जाना इसे। यहाँ पर लिखा है बिरयानी लव एट फर्स्ट बाइट। इन्हें तो लव एट फर्स्ट बाइट नहीं। हमने इतना ऑर्डर नहीं किया जितना हमने माइग्रेशन कर ली। पहले हम उस टेबल पर बैठे थे, अब हम इस टेबल भी आगे बैठ गए। हमारी इरादा है कि हम उस टेबल पर वो ऐसे बात खाएंगे और हम वहाँ बैठ के खाएंगे। तो गाइस अब जो हमारा खाना है ना हम आपको दिखाएंगे। भाई इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सिर्फ अभी तक ही है। जब खाना गाइस मैं यहाँ पर खाने रुमाली रोटी आई थी, दीप कबाब का मज़ा है रुमाली रोटी का। भाई लेकिन उसका पेट में दर्द है, फिर भी इसने इतना कुछ ऑर्डर किया है।
तो गाइस ये देखिए हमारा यहाँ पर खाना आ चुका है और मैंने चेक करके खाते हैं प्लेट मुझे भी खाना भी पूरा नहीं आ रहा इससे पहले खा रही आपको कैसी लगी? मैं तो फेवरेट है। तो वैसे मेरी फेवरेट है बीच कबाब की। अरे मेरी ब्यूटी को कैप्चर मत किया खा रही है। बोतल को देखें ये खाली है, ये भी खाली है और वो भी खाली है। असल में आर्टिस्ट आर्टिस्ट आर्ट और आर्टिस्ट देखें गाइस इधर रहो मैं एक मिनट वीडियो बनाऊँ मैं पूरी। गाइस ये जो बोतल थी ये थी मोहम्मद अमन की जो बोतल थी, फिर जो ये थी मेरी दूसरी बहन की, ठीक है ना। एक रिक्शा ये क्या कहते हैं रास्ते में पी कर आया इसने अपनी चुप एक मिनट दूसरी बहन की बोतल पी के यहाँ रख कर साजिया की बोतल उसको दी, साजिया ने मामा की बोतल लेके खुद पी रही है और मामा की बोतल भी ये पी रहा है। इतनी बोतल पी क्या करोगे? गाइस मैंने बिरयानी तो खा ली है मगर थोड़ी स्पाइसी थी, अब मुझे थोड़ी सी मिर्ची लग गई। अब मैं पानी का इंतजार करें, पानी लग गया, पानी लग गया, पानी लग गया। अब आता पानी तो जैसे होता मैं जब भी बिरयानी खाती हूँ मुझे मिर्ची लगे, लेकिन जब घर में बिरयानी होती है तो मामा घर में कुछ मुझे मामा जब भी बिरयानी घर लेकर आती है ना तो एक चॉकलेट साल जरूर लेकर आती है, पता है मुझे लगा मिर्ची लगेंगी तो। लेकिन अभी इस वक्त मैं वो मिर्ची बिरयानी की नहीं होती हमारी कामयाबी की देख के तो मुझे मामा लगती हैं तो गई उसे। अभी तो मैं मामा से आइसक्रीम नहीं मांगी थी इसलिए पानी भी गुजारा करना पड़ेगा। अरे भाई पानी ना निकल शॉप नहीं पानी नहीं आ रहा बदतमीज बन के मुंह लगा दे ग्लास में पीनी। तो गाइस इस वक्त हम लोगों ने खाना खा लिया, हमारी देखे टेबलें साफ हो चुकी हैं, लेकिन मेरे घर वालों को भी बातें करनी है। बैठे में मतलब मजाक है, दिल का इंतजार हो रहा है। गाइस जब मैंने अपना सारा मतलब व्लॉग शूट कर लिया तो मुझे याद आया कि जो मैंने दो लटर निकाली थी मैंने व्लॉग के लिए निकाली थी, अब मैं सारा खाना ऐसे सब कुछ वीडियो में मैंने निकाली नहीं रहा मुझे याद है, तो देख लीजिए मैंने निकाली हूँ। लिखा हुआ नेवर मिस अ बिरयानी डेट और इस लड़की का तो बिरयानी डेट का पार्टनर ही मिस है, कैसे करेगी तू नेवर मिस अ बिरयानी डेट? तूने मिस कर दी क्योंकि तेरा पार्टनर मिस है। अरेंज मैरिज भी बिलीव रखती हूं। शट अप गाइस हम लोगों ने बिरयानी किंग में इतना खा लिया कि ना अब हम लोग क्या कहते हैं बर्गर किंग बन गए मतलब हमारा बिल ज्यादा आ गया था, हमारे ज्यादा बिल आ गए, मामा ने इसी खोल फेंके, इसी खुशी में भला मैं क्या इंडिया दी है, मामा कहते हैं हम कल करेले ही खाओ, ठीक है ना गाइस? ये बहुत ही अलग बात है भाई, करेले खाओ, करेले खाने की चीज क्या है? बकवास बंद करो, करेले बहुत मजेदार होते हैं भाई, करेले मजेदार होते हैं, बड़े ज्यादा लगते हैं। गाइस मोहम्मद अहमद मजा जीप से लगता है, मोहम्मद अहमद को तो कुछ भी तो खाने को पसंद नहीं आता, करेलों का तो बड़ा पक्का रिश्ता है। गाइस मुझे करेले बहुत ज्यादा पसंद है। गाइस गाइस मेरे घर जब भिंडियां बनती है मैं अकेली खाती हूँ, बाकी सब बहन बेटे तो खाते, मेरी दूसरी बहन जो कहती है भिंडियां बनी तुम भिंडियां खाओ, अगर मैं किसी और चीज को हाथ लगा रही हूँ तो ये नहीं, दूसरी बार कहती भिंडियां बनी तुमने भिंडियां बनी तुम भिंडियां खाओ। गाइस मैं आपको आज जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देने लगी हूँ, ठीक है ना। अब आप किसी की वीडियो तस्वीर बना रहे ना, आपने तस्वीर बनानी समझे या तस्वीर खा ली, आपने उसको दिखाने से पहले ही कह देना माशाल्लाह शहजादा लग रहा है और फिर कैमरा उसकी तरफ करना, फिर वो आपकी तस्वीर कैसी आ गई आपको दोबारा नहीं कहेगा कि बना क्योंकि उसे पहले ही पता होगा। लेकिन और अगर आप किसी को तस्वीर बनाने गए समझे आपने तस्वीर बना ली है और आप उसे दिखा देंगे तो वो गलतियाँ निकालेगा, आपने मोड़ने से पहले कहना वाह 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 क्या शहजादा लग रहा है, ठीक है ना, कैसी लगी? फिर दोबारा आपको तस्वीर बनाने का नहीं कहेगा। और यहाँ तो आपने ऐसा करना उसे फोन सेव करके कहना भाई पकड़ मेरे हाथ कांप रहे, मेरे हाथ में रश आ गया, रश आ गया। बताएं कैसी लगी आपको तस्वीर अपनी? गाइस ये लव्स नहीं, ये लव्स खत्म हो गया, सांस खत्म हो गया, बंदे की जबान कट गई हुई। तो गाइस क्या कहते हैं मैं खाना खा के आ चुकी हूँ और मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, ऐसा है कि मेरे जो बहन भाई है ना उन्होंने अपनी आइसक्रीम खा ली है, ये देखें गाइस मेरे पास आइसक्रीम है। अरे गाइस हमेशा की तरह चोर मैं तो गाइस आज के लिए इतना काफी है, करो वही जो दिल चाहे, कल मिलते हैं, आज के लिए बाय।